लेवल में ऊपर से 40 फीट से लेके 160 170 180 फीट तक पानी निकल जाता है। इसके बाद में क्या होता है कि और जब अधिक गहराई पर पहुंचते हैं तो नलकूप का पानी कहीं और किसी स्थान से निकल जाता है। तो आज मैं आपको इसी सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूं कि ये देखिए नलकूप का पानी जो है, नलकूप का पानी कहां जाता है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो है, ये ट्यूबवेल है, ये ट्यूबवेल जो खुदा है, ये यहाँ पर जो है ये एक एक्वीफर आ रहा है, ये एक्वीफर आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है और ये यहाँ पर आपने यहाँ तक ये ट्यूबवेल जब खोदा था शुरू में तो इसमें पानी मिल गया। इसके बाद में यहाँ पानी मिला, कम मिला या ज्यादा मिला, पर ये जो गहराई थी, ये जो गहराई थी ये आपको कम लगी और ड्रिलिंग मशीन वाले को भी ये गहराई कम लगी। और अपन ये सोचते हैं कि और थोड़ा गहरा करा लेंगे इसको ऐसा और नीचे चले जाएंगे ऐसे तो पानी हमको ज्यादा मिलेगा। तो जब नीचे गए तो पानी तो नहीं मिलता है, लेकिन क्या होता है ये जो ऊपर का पानी आ रहा है, ये जो पानी आया है ऊपर का, ये यहाँ से ऐसे इस तरह से बह के और ये निकल जाता है इस तरह से, ठीक। इसी प्रकार से इस तरफ से भी जो पानी है, यहाँ ऊपर पानी मिल गया था, इस जगह पे पानी मिल गया था और इसके बाद जब हमने गहराई बढ़ाई ट्यूबवेल की, ये पानी यहाँ से ऐसे निकल गया। अब प्रश्न ये है कि पानी कितनी दूर निकला है या कहाँ पे निकला है। तो ये जैसा कि मैं आपको चित्र में बता रहा हूं कि ये जो है ये एक नदी है, ये नदी भी हो सकती है, नाला भी हो सकता है, या जैसा भी बोले आप वो स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन ये एक नदी है। अब ये जो है प्राकृतिक नदी है। अब इसमें से जो है इस नदी का जो बेड है ये पूरा हार्ड है और ये सिस्टम जो है ये कई वर्षों में डेवलप हुआ है। तो ये सिस्टम जो है नदी का कई वर्षों में डेवलप हुआ है और इसके दोनों किनारों पर ये स्लोप होता है और ये यहाँ तक जाता है, ऐसा ये स्लोप है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो पानी हमको मिला था ये सीधा यहाँ से निकल के और इस नदी में चला गया। अब इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो आप क्या करेंगे कि आपके ट्यूबवेल में, इस ट्यूबवेल में जो है आप या तो चूना डालें या लाल मिट्टी का घोल डालें या इस तरह की कोई भी चीज डालें, तो ये देखेंगे कि ये पानी जो है 1-2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर की रेंज में इस जगह पे कहीं पे जो यहाँ पे आपने सफेद कलर या लाल कलर या जो पोटेशियम परमैंगनेट वगैरह जो भी डाला है वो बह के यहाँ से निकलेगा, बकायदा आपको दिखेगा। अब मेरे कई मित्र पूछते हैं कि सर क्या करें, कैसे करें, इसको कैसे कंट्रोल करें। तो देखो भाई, इसको बंद करने के दो ही तरीके हैं, या तो इस पॉइंट के ऊपर से आप इसको कंक
दिया, ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज जो है, आप इसको यहां से भी लॉक कर सकते हैं। ये नदी तब बनी है, ये लाखों करोड़ों वर्षों में ये जो है डेवलप हुई है नदी, ये एक या दो दिन में डेवलप नहीं हुई है। तो अब इसके नीचे जो है पानी इस नदी से इसलिए बहता है कि वो और ज्यादा इधर नीचे नहीं जा सकता। अगर ये यहाँ पे नीचे सूखने वाला स्टार्टअप होता तो निश्चित ही पानी जो है नीचे जाता, तो अब यहाँ पानी नहीं जा सकता है। ये पूरी जो है हार्ड रॉक है, इसीलिए ये पानी जो है इस एरिया से निकल के और आगे चला जाता है। अब आपके ट्यूबवेल में इस जगह जो पानी मिला था ऐसा आया और ऐसा यहाँ पे इस जगह से निकल गया। अब आपको इस जगह को लॉक करना है और ऐसे ही सेम आप देखेंगे तो इस जगह पे ये जो है इस जगह पे लॉक करना है। ये मोस्ट इजीएस्ट मेथड है, ये सबसे आसान तरीका है, इसलिए क्योंकि ये जो ट्यूबवेल हुआ है, ये जो ट्यूबवेल हुआ है ये आपके खेत में हुआ है या प्लांट में हुआ है, जमीन मकान जहां पे भी है वहां हुआ है और आप यहाँ आसानी से काम कर सकते हो इसकी सीलिंग का। ऐसे ही इस ट्यूबवेल की भी सीलिंग का काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि कई भाई पूछते हैं कि साहब इसमें कंक्रीट भर दे, तो कंक्रीट इसलिए नहीं भरना है क्योंकि बाद में इस जगह पे अगर कंक्रीट भर दिया तो बाद में आपको कोई फेरबदल करना है या कोई इधर से नया एक्वीफर अगर जनरेट हो जाता है, इधर से ऐसा कोई नया एक्वीफर आता है तो आप उसका पानी नहीं ले पाओगे, इसीलिए इसको कंक्रीट से भरना उचित नहीं है। आप मिट्टी भरोगे तो ये मिट्टी इधर से धीरे 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 जाके इसको लॉक कर देगी पूरा, और ये पानी जो है इस ट्यूबवेल में जो है, अगर ये बहुत ज्यादा हाई लेवल पे है, इधर जो लेवल है उस लेवल पे ये पानी ये इधर भी आ सकता है, ये ट्यूबवेल में पानी ऊपर चढ़ेगा। इसमें दो चीजें होती है, तो सबसे पहले क्या है कि आप जब भी ट्यूबवेल खोदे तो जितने भी आपकी जो आर्थिक क्षमता है उस हिसाब से ट्यूबवेल खुदवा ले, पानी बढ़ने के हिसाब से अगर बढ़ना होगा तो बढ़ेगा, नहीं तो ये जो है 40 से 160 फीट के बीच में आपको निश्चित ही पानी मिलेगा, और दूसरा पानी जो है 630 फीट से लेके तो फिर 850 फीट के बीच में। आशा है आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग इस चीज़ का लाभ लेंगे, ताकि आपको पूरा पूरा क्लियर हो जाए कि ट्यूबवेल के खुदाई ही एक काम नहीं है, पानी की धाराएं किधर से किधर जाती है, कैसे जाती है, क्या उनका उपयोग है, कैसे उनको रोक सकते हैं। आने वाले अंक में मैं आपको और विस्तृत बताऊंगा कि आपने ट्यूबवेल खोदा तो पानी किधर से आएगा और पानी किधर जाएगा, और ज़मीन के अंदर एक्वीफर्स क्या होते हैं, पानी कैसे जमा होता है, क्या होता है, धीरे धीरे डिटेल में मैं बताऊंगा। इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय देकर और मेरी वीडियो देखी, इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।